हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम लिमिट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो क्वेश्चन 11 इज लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सो पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। नाउ सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। तो करके देखें, वन स्क्वायर मीन्स वन, टू इंटू वन टू, सो वन प्लस टू माइनस थ्री। तो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, वन स्क्वायर मीन्स वन, टू इंटू वन मीन्स टू एंड माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। सो लिमिट की पहली कंडीशन है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहे हैं तो हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो पहले से ही मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी। तो x आपको लिखना है, x फिर लिखना है 1 ब्रैकेट, ये प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 रखना है, और अगर माइनस 1 होता तो मैं प्लस 1 रखता। इट मीन्स इन दोनों में x माइनस 1 कैंसल होगा, ये हमें पहले से ही एडवांस में पता है। अब न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब मुझे इसके फैक्टर्स चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए, प्लस 2x माइनस एक्स तो प्लस x बचा एंड 2 इंटू 1, सो प्लस 2 एंड माइनस 1, सो माइनस 2। अब मुझे इन दोनों में से x कॉमन निकालना है तो वैल्यू बची x प्लस 2, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकला तो वैल्यू बची x प्लस 2। सो फाइनली x प्लस 2 एक्स माइनस 1। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप 8th, 9th और 10th में सीख कर आए हैं मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है। सो नाउ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब मुझे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर माइनस 3 आए, और प्लस और माइनस करूं तो 2 होना चाहिए। सो इसे हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए, प्लस 3 माइनस एक्स, सो प्लस 2x बचा, और 3 इंटू 1 सो माइनस 3। अब मुझे फर्स्ट दोनों में से x कॉमन निकालना है, सो वैल्यू बची x प्लस 3। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू बची x प्लस 3। सो फाइनली x प्लस 3 एंड x माइनस 1। अब इतना करने के बाद मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों की वैल्यूज़ रख दूंगा। सो लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में वैल्यू आई है x प्लस 2 एंड x माइनस 1, डिनोमिनेटर में वैल्यू है x प्लस 3 एंड x माइनस 1। सो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये मैंने आपको पहले से ही बताया था एडवांस में कि क्या कैंसिल होने वाला है, तो x माइनस 1 कैंसिल होने वाला है। सो फाइनली यहाँ पर वैल्यू बची लिमिट x टेंस टू 1, पहले जो एक बार बची हुई वैल्यूज है वो लिख देंगे, x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 3। जो बची हुई वैल्यू है वो लिखने के बाद अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वैल्यू अप्लाई करने जा रहे हैं, सो 1 प्लस 2 एंड डिवाइड बाय x की वैल्यू है 1 प्लस 3। मैंने x की जगह पर ये वैल्यू रख दी, x की वैल्यू 1 रख दी और डिनोमिनेटर में भी। सो द फाइनल आंसर इज 2 प्लस 1
3 डिवाइड बाय 4। सो अगर आपको यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आता है, फैक्टर्स निकालने आते हैं, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। और मैं इसके छोटे छोटे वीडियोस ही बनाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा आगे का सम। और मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत वीडियो बनने वाले हैं इसके।